5,000 रुपयों की उधारी वापस मांगने पर एक युवक ने उधारी मांगने वाले व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को गन्ने के खेत में दफना दिया। मामला नरसिंहपुर जिले के करेली थाना अंतर्गत ग्राम बामनवाड़ा का है। जिला पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि हेमराज ने 4,000 रुपये उधारी के बतौर गांव के ही टिक्कू उर्फ गणेश आदिवासी को दिए थे और हेमराज टिक्कू से 4,000 के एवज में 5,000 रुपयों की मांग कर रहा था। इसी से तंग आकर आदिवासी युवक टिक्कू ने हेमराज को गांव के गन्ने के खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में गाड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 20 तारीख को थाना करेली क्षेत्र के अंतर्गत बामनवाड़ा गांव है, वहां पर एक खेत में एक डेड बॉडी मिली थी। उसकी शिनाख्त जब कराई गई तो उसी गांव का व्यक्ति हेमराज समर्थ रामचरण कहार, उनकी लाश के रूप में उसकी शिनाख्त हुई। और जब ये पता चला कि ये व्यक्ति की 10 तारीख को यहाँ थाना करेली में उसकी पत्नी के द्वारा एक गुमनसान रिपोर्ट कराई गई थी कि 8 तारीख को रात्रि से ये व्यक्ति मिसिंग है और ये व्यक्ति जो है उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति है जो कि उस खेत पे काम करता है और उसका नाम किट्टू उर्फ गणेश आदिवासी उससे पैसे लेने गया था। और इसी शंका के आधार पर जब किट्टू आदिवासी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये जो है मेरे पास आया तो था पैसे लेने, पर एक अन्य व्यक्ति गांव का उसके साथ ही गया था। और जब इसकी तस्दीक की गई तो ये बात झूठी निकली। और उसके बाद पुनः जब पूछताछ की गई तो किट्टू आदिवासी ने बताया कि मुझे इसको करीब 5,000 रुपये देने थे और मेरे पास थे नहीं, तो और ये लगातार मुझे जो है पैसों के लिए परेशान कर रहा था। इस कारण से जो है मैंने उस अपने खेत पर एक बका रख के और एक डंडा रख के और इसको अपने खेत पर पंप चालू करने के बहाने ले गया और इसको बोला कि उसके बाद में पैसे दे दूंगा। और वहीं पर जाकर इसकी आंखों में पहले मिट्टी डाल दी और फिर धक्के से इसके सिर पे मारकर इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है और जो मृतक है उसका फ़ोन आरोपी के द्वारा लेकर तोड़ के फेंक दिया था उसे भी बरामद कर लिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारे जो एडिशनल SP हैं और SDOP और थाना प्रभारी करेली की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।